जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है एक्सपेरिमेंट्स विद राजयोगा मेडिटेशन पर। हम हर दिन हमारे जो प्यारे रिश्ते हैं उन्हें और भी ज़्यादा प्यारा बनाने की मेहनत में लगे हैं। हम चाहते हैं कि किस तरह से हमारा घर स्वर्ग बन जाए और वो एक ऐसी दुनिया बन जाए जहाँ पर सिर्फ खुशी ही खुशी हो। आज हम देखेंगे कि किस तरह से नए रिश्तों में मिठास ला सके और सम्मान को बढ़ा सके। इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके सतीश गुप्ता जी, आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, मिठास बहुत जरूरी है जिंदगी में। हम समझते हैं कि जिंदगी में थोड़ी बहुत नोकझोंक, थोड़ी बहुत ऊंच नीच, ये सब तो आती रहती है, लेकिन इन सबके बीच में एक होलसम ग्रोथ जो एक रिलेशनशिप का होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये तब सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है जब कोई नया रिश्ता बनता है। आई थिंक जो बिगेस्ट एग्जाम ऑफ आर लाइफ होती है वो होती है जब किसी की शादी होती है, क्योंकि दो नए लोग एक दूसरे के साथ आकर पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले होते हैं। ऐसे में कई बार एक लड़की को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी पूरी जिंदगी एक दिन में बदल जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि किस तरह से वो उस आगमन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाए, कैसे पॉसिबल है? बेसिकली जब जैसे आपने बात की, एक लड़की की शादी होती है, वो ससुराल में आती है, तो वो 20 या 25 साल या जितने भी साल अपने माँ बाप के साथ रही है, उसकी एक पर्सनैलिटी बन गई है। करेक्ट। अब पर्सनैलिटी कैसे बनती है? 11 साल की उम्र तक जो कुछ भी हम पेरेंट्स में देखते हैं ना अपने, वो पैसिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं। माता पिता में, टीचर में, भाई बहनों में, या अपने साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटी क्लासों में स्टूडेंट्स होते हैं 5वीं 6वीं क्लास तक, उसको ओरल फेज ऑफ लाइफ कहते हैं। तो वो हमें एक्सेप्ट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अवर पर्सनैलिटी, सम टोटल पर्सनैलिटी बन जाती है 11 साल की उम्र। अब वो लड़की 25 साल की उम्र तक उसने और भी कुछ सीखा है, कॉलेज में गई है, स्कूल में गई, स्कूल कॉलेज, फिर और कुछ जॉब भी किया होगा, वहाँ से लोगों से कॉन्टेक्ट में भी आई है। अब उसकी शादी हो गई, एक्सपेक्टेशन क्या होती है जब वो ससुराल में आती है? तो खुद एक आदमी के हिसाब से ढलना नहीं है, खाली हस्बैंड के हिसाब से नहीं, वहाँ उसकी सास भी है, उसके ससुर भी हैं, ननद भी है, और उसके दूसरे भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। करेक्ट। जेठ है, बच्चे है, तो चाची है, मामी है, तो बहुत सारे बुआ है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स। तो प्रैक्टिकली ये समझने की बात है, दोनों ग्रुप को ही, दोनों तरफ से ही वो होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। खाली एक लड़की कोशिश करे सबके साथ सबके अनुसार बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी कारण फेलियर होते हैं, फेलियर यहाँ होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और जो करने वाला वो एक है, और वो लोग रिजिट होते हैं कई बार, जो ससुराल में रिजिट होते हैं ना, पेरेंट्स हैं वो कहेंगे हम तो अपने स्टाइल से चलेंगे, वैसे ही चलेंगे, ननद जेवर वो देवर वो भी अपने हिसाब से चलेंगे, हस्बैंड होता है वो भी सोचता है मैं अपने हिसाब से चलूं, अरेंज मैरिज में स्पेशली ऐसा होता है। करेक्ट। तो वहाँ पर ये सारी बातें, समस्या आती हैं, रियल समस्या है। हाँ, अगर इसको हम एक इस तरह से ले लें, अगर वो एक स्पिरिचुअल वे से देखे, दोनों ही देखें, है ना, तो परिवार में हमारे आपस में संबंध ऐसे बन सकते हैं जैसे हमने कई परिवारों में देखा है कि तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ 90% फैमिलीज में
प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम माना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स होते हैं, ऊंच नीच होती है, ऊंच नीच होती है, झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, और वो शुरू शुरू की यादें हस्बैंड वाइफ के आपस में संबंध बिगाड़ देती है। हार्ट पेशेंट्स जो हमारी ओपीडी में या प्रोग्राम्स में आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब, वो जो लेडी होती है वो कहती है डॉक्टर साहब यार, हस्बैंड भी बोलता है आपने शादी के तीसरे दिन मुझे ऐसा बोला था। 30 साल शादी हो गए, ये तो तीसरे दिन वाली बात, दूसरे दिन वाली बात आज भी याद है, उसकी मेमोरी में, और उसी हिसाब से उसकी इमेज बन गई है वाइफ की, हस्बैंड की। हस्बैंड ने जो बोला है, वाइफ ने जो बोला, ये हस्बैंड की मदर ने बोला, आज उसी हिसाब से 30 साल से उनके संबंध चल रहे हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे की जो रियरिंग कैसी है, उसी तरह से वो शादी के थोड़े दिन शुरू शुरू के दिन होते हैं कि उनके जो पहले जो 2-3 महीने 3-4 महीने होते हैं वही टोटल एक फाउंडेशन है पूरी मैरिड लाइफ का। करेक्ट। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि इसमें जैसे होता है ना, हालांकि ट्रेनिंग कोर्स तो कोई नहीं होता इसका, पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए तो होना ही चाहिए, लड़कियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, है ना, परिवार वालों को भी। करेक्ट। एक काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए कि उनको सही ढंग समझाया जा सके कि ये शादी ऐसे, या जो घर में बड़ा मेंबर है उसको समझाना चाहिए सब घर वालों को। करेक्ट। कि हमारे घर में एक नया मेंबर आ रहा है, हमें कोशिश करनी है उनके साथ एडजस्ट करने की, नए के साथ, ना कि वो आके हमारे साथ एडजस्ट करें। वाओ, दैट शुड बी द अप्रोच, राइट? आई थिंक ऐसा हो जाए तो पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और इसमें मैं कहना चाहूंगा एक वर्ड है, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रेस्पेक्ट, इसे आदर कहते हैं, क्योंकि आदर ही साधन है प्यार का। जब किसी को आदर देते, रेस्पेक्ट देते हैं, तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए आदर पैदा होता है, और उसी को हम प्यार कहते हैं, और उसी से हम केयर कर पाते हैं। आदर की डेफिनेशन क्या है, रेस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक आदर की बड़ी अच्छी, एक इंग्लिश में किसी ने डेफिनेशन दी है, टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट यूनिक रोल ऑफ ईच एंड एवरी वन इन द फैमिली और द वर्ल्ड। मतलब रेस्पेक्ट खाली पति के लिए रेस्पेक्ट नहीं, या सास के लिए रेस्पेक्ट नहीं, टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट, उसे रिकॉग्नाइज भी करें और अप्रिशिएट भी करें, उसकी महिमा भी करें। यूनिक रोल, छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है ना, स्कूल जाने वाले और बच्चे हैं, या फिर हमारे जो उसके जो मतलब जो जेठ जेठानी है या और हैं, माता सास ससुर हैं, या और भी रिलेशनशिप्स हैं, उनमें से हर एक को एक्सेप्ट करें, रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये संबंध है, पति के लिए भी ज़रूरी है और मैं भी ज़रूरी हूँ। कई बार यहाँ कन्फ्यूजन होता है वाइफ को, लड़की को, कि मैं ही ज़रूरी हूँ, नहीं, हस्बैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। उसको ये देखना चाहिए कि पति को, जो मेरा पार्टनर है, उसको इनके साथ बचपन से रहा है। करेक्ट। तो इसके लिए इसको हर एक को उसको उसको महत्व देना जरूरी है, सबको साथ लेके देना, उसको उसको अप्रिशिएट, उसको भी इस तरह से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज वो उसकी लाइफ पार्टनर है, तो उसको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हाँ ये संबंध है, इनका भाई है तो मेरा भी भाई है, इनकी बहन है तो मेरी भी बहन है, इनके माता पिता तो मेरे भी माता पिता है ना, इनके दोस्त है तो मेरे भी दोस्त, रिलेशनशिप। क्योंकि कई बार आप सही बोल रहे हैं, हम हर बार यही बोलते हैं कि लड़की के साथ बुरा हुआ, पर हम कभी ये नहीं देखते कि लड़की ने क्या बुरा किया। कई बार वो भी बहुत एडमेंट होती है, जिसके वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। मतलब वो इनके जैसे मतलब बच्चे हैं, तो इनका इनके मेरे हस्बैंड के भतीजा भतीजी हैं, तो मेरे भी भतीजा हैं भतीजी हैं, राइट? उस तरह से जब ले ना, उस लेवल पे लेकर के चले ना लड़की, और वो भी पेरेंट्स भी जो घर में जिस घर में आई है, वो बच्चे भी ये देखें, वो पेरेंट्स भी देखें कि ये जैसे हमारा बेटा है ऐसे ही हमारी बेटी है, ऐसे ही बहन है तो समझे कि जैसे मेरा भाई है तो ये मेरी बहन है, इस तरह से लेके चले, है ना? या भाई है तो समझे जैसे मेरी ये भाई मेरा भाई है, ऐसे ही भाई की युगल है तो वो भी मेरे लिए बहन के बराबर, बहन के बराबर। तो इस तरह से जब हम एक अप्रोच, ये वाली जो डेफिनेशन है, और लव की, लव कैसे पैदा होगा, जैसे बताया एक बार हमने कल डिस्कस किया था, टू रिकॉग्नाइज, टू अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल, उसमें डेफिनेशन यूज हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द फैमिली। तो मतलब हर एक के लिए हमें जो ना एक अनकंडीशनल, सपोज मेरे अंदर खराब, उसके अंदर खराबी भी है कोई, पेरेंट्स उनमें कुछ बोलने, किसी का बोल बहुत कड़वा होता है, हार्ड होता है, क्रोध वाला होता है, तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ नेचर ऐसी है। करेक्ट। राइट? ऐसे पेरेंट्स भी बच्चे की, उस लड़की की नेचर को एक्सेप्ट करें,
मतलब क्योंकि सब अलग अलग नेचर के लोग हैं ना, बिल्कुल, और अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें जो है अब मेरे हैं, अब ये मेरे हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करें। अगर हमें संबंध अच्छे बनाने हैं तो हमें हंस बुद्धि बनना होगा, हंस स्वान, स्वान स्वान इंटेलेक्ट बनना होगा। तो स्वान क्या देखता है? गुण देखता है, और बगला क्या देखता है? अवगुण देखता है, कीड़े देखता है। तो हमें क्या करना है, और इसके लिए हंस बुद्धि बनने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। तो राजयोग का मेडिटेशन जो है बताया था कि राजयोग का मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारी ऑटोमेटिक हमारी जो हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस आती है, सबके प्रति प्रेम भाव, ऑटोमेटिक प्रेम भाव पैदा होगा, सबके प्रति आदर का भाव पैदा होता है, और हम सम्मान देते हैं पहले तो सम्मान मिलता है, करेक्ट, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और सभी इस बात को समझ लें कि अगर हम अपनी बहू को अपने घर में नहीं लड़की को सम्मान देंगे तो हमें वो भी सम्मान देगी। या लड़की समझ ले कि मैं सबको सम्मान दूंगी, छोटा बच्चा भी होगा तो वो मुझे भी सम्मान देगा। करेक्ट, मैं ऐसा एक्सपेक्ट ना करूँ कि पहले वो मुझे सम्मान दे, मैं बड़े घर की हूँ या मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। कई बार ये भी कन्फ्लिक्ट होता है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वहाँ भी एक मिस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अगर हम समझ लें कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो सम्मान देना होगा, पहले सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, कभी एक्सपेक्ट ना करो। और ये जो गुण देखने वाली बात है, इसके लिए अगर हम 15 मिनट भी रोज मेडिटेशन सुबह शाम कर लें, अच्छा, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमारे दर्शक इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि वो उनके उनके जीवन में बहुत मधुरता आ जाएगी। okay. उनके जो है उनको गुण ही दिखाई देंगे, अवगुण दिखाई नहीं देंगे, और जहाँ गुण दिखाई देंगे तो एक दूसरे की महिमा करेंगे और पॉजिटिव लाइफ बन जाएगी, पॉजिटिव हमारे रिलेशनशिप्स हो जाएंगे और हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। क्योंकि जितना मेडिटेशन करेंगे सातों गुण मेरे अंदर आएंगे, और सातों गुण मुझे मेरे अंदर आएंगे तो मुझे दूसरों के अंदर दिखाई देंगे। बिल्कुल, जैसे मैं काला चश्मा लगा तो सब काला दिखाई देता है, हरा लगाऊं तो हरा दिखाई देता है। अगर मुझे अपने गुण नजर आने शुरू हो गए, मुझे अपने अंदर शांति प्यार खुशी महसूस होने लगी, तो दूसरों के अंदर भी मुझे शांति प्यार खुशी जब थोड़ी थोड़ी होगी तो दिखाई देगी। करेक्ट, और वो इससे हमारे संबंध आपे ही मधुर हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि खास करके जब रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप्स की हम बात करें, तो हम शुरुआत में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे एक हस्बैंड वाइफ का हो, या एक सास और बहू का हो, या एक चाचा और बच्चे का हो, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, लेकिन जब सिचुएशंस धीरे धीरे बदलने लगती हैं तो हम धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अर्थात वो चीज़ हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती जितना पहले हुआ करती थी, तब रिलेशनशिप वीक होती जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? सी, बेसिकली टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मतलब गलत चीज़ है। हमें जब हम लेते हैं रिलेशनशिप के बजाय उसको फ्रेंडशिप के लेवल में, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे जी, कि अगर हम फ्रेंडशिप लेवल पे लें, चाहे कोई भी संबंध है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 15-16 साल के बाद, पेरेंट्स को भी बच्चे को फ्रेंड की तरह लेना चाहिए। करेक्ट, राइट, क्योंकि उसके बाद बड़ा होने के बाद उसके हार्मोन्स एक बार निकलने लगते हैं तो वो भी अपने आप को एडल्ट समझता है। बिल्कुल, और उसकी समझ भी होती है, कई बार पेरेंट्स से भी ज़्यादा होती है। करेक्ट, बिकॉज ही और शी इज एक्सपोज टू इंटरनेट, है ना, ज्यादा उसको पता है, पेरेंट्स से भी ज्यादा पता है। करेक्ट, इसलिए उसको एक फ्रेंड के लेवल पे लेना चाहिए। इवन छोटे बच्चों को भी मैंने देखा फ्रेंड के लेवल पे लेने से बहुत अच्छा रहता है। तो आई थिंक हम लोग जब फ्रेंडशिप में कभी बासी पर नहीं आता है, राइट, फ्रेंडशिप कभी बासी नहीं होते। हमारे 30 साल ये दोस्ती ना हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे जी, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बिल्कुल, है ना, शोले फिल्म का जो गीत है। हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक वो एक फ्रेंडशिप कभी बासी नहीं होती जी, जितनी पुरानी होती जाती है उतना और ताजा दम होती जाती है, उतनी ज्यादा फ्रेश होती है। करेक्ट, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कुछ दिनों के बाद बासी लगने लगता है, बासी मीन्स पुराना स्टेल लगने लगता है ना। ऐसे इसको आई थिंक हम फ्रेंडशिप लेवल पे लें। मैंने बहुत सारे अभी कपल्स में देखा है, जब मैंने उनको कहा इस तरह से आप जिए एज ए फ्रेंड जिए, ना कि एज ए हस्बैंड वाइफ जिए, तो उनकी लाइफ एकदम बदल जाती है, 180 डिग्री टर्न हो जाता है। तो आई थिंक जीवन साथी का मतलब साथी माना फ्रेंड है, जीवन साथी का मतलब जीवन में फ्रेंड, वी आर लाइफ फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर्स, राइट। तो आई थिंक उस ढंग से लेने से हम एक दूसरे की पॉजिटिविटी, और मैंने देखा मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। राजयोग का मेडिटेशन करने के बाद मैंने देखा है जो हस्बैंड वाइफ डेली सुबह और शाम लड़ते थे,
और वो हस्बैंड वाइफ जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे वाला मेडिटेशन करते हैं, शाम को 15-20 मिनट करते हैं, तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। उन्हें अपने आप पॉजिटिविटी दिखाई देने लग जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। वाह, वो बताया ना, स्वान आइड हमारी नेचर बन जाती है। बिल्कुल, हमें ये जो है प्रैक्टिकली राजयोगा मेडिटेशन करके देखना चाहिए और इसके बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे। और एक मैंने आपने एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले कि हस्बैंड वाइफ शादी के पहले जो लवर्स थे तो एक दूसरे की पॉजिटिविटी देखते थे, छोटी-छोटी बातों को अप्रिशिएट करते थे, और शादी के इमीडिएट बाद वो क्या होता है, एक दूसरे की नेगेटिविटीज देखना शुरू करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसके पहले वो सोल कॉन्शियस रहते थे, या कहे तो मतलब एक दूसरे की दूसरे को दूसरे ढंग से देखते थे, एक फ्रेंड के लेवल पे देखते थे। डॉक्टर साहब, ये रीजन क्या है? मतलब अगर हमें उसका रीजन पता चले तो वो चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। यस यस, वही रीजन है कि मतलब ऑनेस्टली जब हम देखे, मुझे अगर जैसे बाहर की दुनिया की मैं बात करूं अगर, तो उन्हें नहीं पता कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन फिर भी जब वो शादी के पहले एक साथ रहते हैं, जो भी बातें शेयर करते हैं, तो दे एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, सब कुछ इतना खूबसूरत सा होता है। उन्हें तो पता नहीं सोल कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन शादी के बाद में वही बदलाव आ जाता है। तो मेरे हिसाब से सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर भी कोई रीजन है जो जिसके वजह से ये चेंज आता है, आपको क्या लगता है? सी, सोल कॉन्शियसनेस का मतलब जो मैं कह रहा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस के बारे में, इनर सेल्फ की बात मैं कर रहा हूँ। इनर सेल्फ में जो नेचुरल, जो अंदर की जो इनेट इनेट एनर्जीज है ना, जैसे कोई नेचर किसी लड़के की नेचर है, वो शांत रहता है, मुस्कुराता रहता है। हम किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, किसी भी व्यक्ति से, मेल या फीमेल से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? उसकी खूबसूरती से नहीं होते हैं। खूबसूरती कभी थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर सकती है, किंतु तो उसके जो गुण होते हैं उससे हम अट्रैक्ट होते हैं। करेक्ट, कि देखो कितना कितना हमेशा मुस्कुराता रहता है, भले काला हो। हाँ। है ना, काला हो या काली, सामने सामने रंग का कोई हो, तो उसको हमेशा मुस्कुराता रहता है। कभी मैं इसको गुस्सा करते नहीं देखा है, सदा ही बहुत धीरज रखता है, एकदम सॉफ्ट स्पोकन है ना, एकदम मीठा बोलता है। इसकी चाल देखो कैसे एकदम धीरज वाली चाल है, मतलब एक जो हमेशा जो अट्रैक्शन का, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, इसको एकदम सब बातें याद हो जाती हैं। इसकी आवाज बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गीत गाता है। करेक्ट, है ना, वो काले गोरे की बात नहीं होती है, लंबे और छोटे की बात भी नहीं होती है। आप देखेंगे किसी भी बात पे, आप कभी भी किसी के दो व्यक्तियों के बीच में संबंध देख लीजिए, या अगर आप दो लवर्स हैं उनकी भी बात सुन लीजिए कि आप किस बात से इससे प्रभावित हैं। वो ये नहीं कहे कि मैं इसके गोरा है या गोरी है, इसकी वजह से मैं इस पर प्रभावित हो गया, नहीं, इसके नैनश बहुत अच्छे, उससे प्रभावित हुआ। वो लव के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो होती है इन्फेचुएशन। ओके, इन्फेचुएशन में उसकी मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, दे वांट टू हैव दैट थिंग, वो देह का आकर्षण होता है, वो प्यार नहीं होता है। उसके बेस पे लवर नहीं बनते हैं, ठीक है, प्रेम पैदा नहीं होता। प्रेम पैदा फिजिकल के हिसाब से नहीं होता, बॉडी के हिसाब से नहीं होता है, कई बार रोल कॉन्शियसनेस के वजह से हिसाब से भी नहीं होता। ये बहुत पढ़ा लिखा है या ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत पैसे वाला, इसके हिसाब से भी लव नहीं होता है। लव जो होता है, एक कहते हैं लव जो होता है ना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग आउटसाइड फैक्टर, इट इज़ बेस्ड ऑन इनर फैक्टर्स। ब्यूटिफुल, इनर सेल्फ, जो इनर सेल्फ है ना, इनर सेल्फ की जो ब्यूटी है ना, वो ब्यूटी ये गुणों में है, सत्यता है, निर्भयता है। कोई बहुत निर्भय होता है, कोई बहुत मधुर होता है, कोई बहुत एकाग्र चित्त होता है, कोई बहुत धीरज वाला होता है, कोई बहुत ही मतलब ऐसा होता है जैसे कि उसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो, दृढ़ता होती है। करेक्ट, है ना, तो उसके ऊपर हम एक दूसरे पे प्रभावित हो, संतुष्ट होता है, कोई इतना संतुष्ट रहता है हमेशा, बस मतलब आदमी उससे अट्रैक्ट होता है। करेक्ट, और ये जो डिवाइन वैल्यूज, ये डिवाइन वैल्यूज कहते हैं, दैवी गुण कहते हैं, और इसका एसेंस वो 7 एनर्जीज है जो आत्मा की अपनी एनर्जीज है जी। तो सोल कॉन्शियसनेस ही होती है, हिडन फैक्टर सोल कॉन्शियसनेस ही होती है। सो ट्रू, राइट। और जब हम शादी कर लेते हैं, शादी होने के बाद हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद एक फैक्टर आता है, मेरा बेटा तो, माँ कहेगी मेरा बेटा तो डॉक्टर है, तुम तो डॉक्टर नहीं हो। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। आउटर सेल्फ आ गया, रोल कॉन्शियसनेस आ गई। करेक्ट, राइट। मेरा बेटा तो ऐसा है, लंबा है 6 फुट का, तुम तो 5 फुट की हो। राइट, वो बॉडी का कनेक्शन आ गया ना। करेक्ट, तो जैसी बॉडी कॉन्शियसनेस या रोल कॉन्शियसनेस आती है, तो फिर नेगेटिविटीज, वाइसेस और उनकी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती है,
उसी कारण से हमारे सारे विकर्म शुरू होते हैं, विकार, घर में कलेश, चिंता, डर, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, करेक्ट, शक अनुमान पैदा होता है, तो अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक बेसिकली इसका हीलिंग, जो परमानेंट हीलिंग है ना, वो इसके अंदर ही है कि हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस के बजाय इनर सेल्फ कॉन्शियस, जो शादी के पहले थे, उस अप्रोच को अगर अपनाएं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपनाएं, पेरेंट्स भी अपनाएं, दूसरे लोग भी अपनाएं, तो वहां पर मैं समझता हूँ रिलेशनशिप इतने अच्छे हो जाते हैं। ये खाली मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने हजारों फैमिलीज में देखा है, करेक्ट, रिलेशनशिप बदलते हुए, करेक्ट, लोगों के घर परिवार इतने सुंदर हो गए हैं, आज वो कहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन गया है, करेक्ट, और हमें वो, उनको अभी वो वही बहू और लड़का, अब उनको पहले लगते थे ये हमारे दुश्मन जैसे हो गए, गलत बोलते हैं, गलत बिहेव करते हैं, अभी उनको देवी देवी दिखाई देती है, माता पिता को, और देवता दिखाई देता है अपना लड़का, तो अभी ये प्रैक्टिकली चेंजेस मैं देख रहा हूँ लोगों में। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जब मैं बात करती हूँ रिश्तों की, रिश्तों में कई बार ऐसा होता है कि दो तरह की मत होती है। कई बार जैसे जैसे अगेन हम पहले और फ्यूचर को, पास्ट को अगर मिक्स करना चाहें, कि पहले हम वो सिचुएशंस ढूंढते हैं जिसमें हम एक दूसरे से कनेक्टेड है पॉजिटिवली और क्या सिमिलैरिटीज है, लेकिन आफ्टर मैरिज वो डिससिमिलैरिटीज हम ज़्यादा ढूंढने लगते हैं एक दूसरे के बीच में। ये आई डोंट नो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब सॉल्यूशंस के क्वेश्चन मार्क को जो आंसर्स मिलने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आई थिंक हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएगा। एम आई राइट कि हम पहले सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमें हम वैल्यूज, जैसे मैंने बताया ना, शुरू अट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे के प्रति वो वैल्यूज का होता है, ओके, वैल्यूज से होता है, मूल्यों से होता है, कि एक व्यक्ति देखता है मेरे अंदर ये, मैं इसको, मुझे ये वैल्यू बहुत प्यारी है, इसके अंदर भी ये वैल्यू है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन आता है। मैं शांत रहता हूँ, ये भी शांत रहते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं मीठा बोलता हूँ, ये भी बहुत मीठा बोलते हैं, हम दोनों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए, अच्छा, राइट, हम दोनों की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज ही हमें सिमिलरिटीज अट्रैक्ट करती हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंसानियत का भाव होता है, इसे आप सोल कॉन्शियसनेस कह रही हैं, राइट, राइट, इंसानियत के लेवल पे हम लोग देखते हैं कि मेरे को, मेरा जीवन, मेरा कोई ऐसा तो कोई साथी हो जो मेरे साथ, मेरे को समझ सके, मेरे साथ रह सके, मेरी केयर कर सके, है ना, दुख सुख में मेरा साथी बन सके, तो वो जो है ना ऐसा साथी सिमिलर वैल्यूज वाला ही नजर आता है, okay. हजारों के बीच में एक वही दिखाई देता है कि वही मेरा है या वही मेरी है, वो फीलिंग्स तभी आती हैं, राइट, और उसके बाद जब शादी हो जाने के बाद, जैसे मैंने बताया जी, फिर वो इनर सेल्फ की बजाय आउटर सेल्फ होना लगता है, करेक्ट, और आउटर सेल्फ में क्या होता है, शक्ल अलग है ना, सेक्स अलग है, मेल फीमेल है जी, वो अलग संस्कारों में पली बढ़ी है, ये अलग संस्कारों में पला बढ़ा है, इसकी एजुकेशन अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है, उसके टीचर्स अलग हैं, इसके टीचर्स अलग हैं, करेक्ट ना, तो वो सारी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट हैं, तो अगर फिजिकल लेवल पर जाएं तो बहुत डिसिमिलरिटीज होती हैं, करेक्ट, और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर जाएं तो हम सब एक हैं, बहुत सिमिलरिटीज हैं, दिस इज सो, तो इसलिए जो है ये समझने की आवश्यकता है कि जितना हम ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट राजयोग मेडिटेशन के साथ हमारे व्यूअर्स करके देखें, और मैं समझता हूँ विद इन ए वीक दे विल फाइंड अ डिफरेंस, एक हफ्ते में उनका संबंध सुधर जाएंगे, सारे परिवार में संबंध सुधर जाएंगे, वो जो लग रहा है उनको आज लगता है कि इम्पॉसिबल है आपस में साथ साथ रहना, ऐसे संबंध भी सुधर जाएंगे, उनको वापस सिमिलरिटीज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, एक पॉजिटिव एंगल आउटलुक लाइफ के प्रति हो जाएगा, और स्वान आइड बन जाएंगे, उनको जीवन में मोती दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कंकर दिखाई देने बंद हो जाएंगे। दिस इज सो ब्यूटिफुल डॉक्टर साहब, हमने, मैं जितना समझ पा रही हूँ मेरे जो छोटे से जिंदगी के एक्सपीरियंस है उससे, कि आपसे जो ये बातें हमें मिल रही है ये हर रिश्ते को सही करने में हमें मदद करेगी और एक बेटर भविष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने जो बातें जानी उसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमें अच्छाइयों को देखना है और बुराइयों को नज़रअंदाज करना है, जितना हो सके बुराइयों को उतना तवज्जो ना दें, और जो क्वालिटीज़ हैं अगर हम उन्हें आउटशाइन करेंगे और उन्हें, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो हम किसी भी रिश्ते में मिठास पैदा कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं खोसा गया था। इसके लिए ज़रूरी है कि हम
अप्रोच बदलें लाइफ के प्रति. करेक्ट. ऐसे हम चाहेंगे तो हमें हम खाली बुराई ना देखें, बुराई दिखाई देगी, अच्छाई दिखाई नहीं देगी. जब तक हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे तो हमें बुराई दिखाई देगी, अच्छी दिखाई अच्छाई दिखाई नहीं देगी. दुनिया यही ट्राई कर रही है जी, विदाउट बीइंग इनर सेल्फ कॉन्शियस. जब इनर सेल्फ कॉन्शियस बनेंगे तो अपने आप अच्छाई दिखाई देगी. बिल्कुल. और चश्मा बदलने की आवश्यकता है. बिल्कुल, ये चश्मा जरूर हम बदलेंगे और हम आपके पास विद द फीडबैक आएंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ओम शांति. दोस्तों, आज के इस खूबसूरत बातों में हमने आज सबसे खूबसूरत बात ये जानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है और मिठास लाना है हमारी जिंदगी के अंदर, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मिठास अपनी तरफ से लाने की ज़रूरत है. हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे मीठी तरह से बातें करे या मुझे अप्रिशिएट करे, पर आप जो चाहते हैं वो अगर आप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सामने से भी वही चीज़ मिलेगी. जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल आप खाएंगे. तो क्यों ना हम अच्छे बीज बोए, मीठे बीज बोए जिसका फल निकले और आप पूरी जिंदगी उस फल के साथ में खुश होकर जी पाएंगे. इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.